चल उठा ले, 3 2 1 एक मिनट What the hell? गूगल बाप कर रहा है, गूगल को भी पता है ये डेंजर जोन है। My smoothie is gonna be like me. चटपट आओ। बट एक वेजिटेबल जो उसे नहीं पसंद है वो है What the hell? साला मुझे पता भी नहीं था ये हमारे घर में यार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं। कि तन्वी जितनी कंपेटिटिव है ना वो मेरे लिए तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली है। वैलेंटाइन्स डे है और फिर ये बोलेगा कि मैं तुझे डिनर पे नहीं लेके जाता, मेरे पेट में प्रॉब्लम है ये वो, तो मैं क्या करूंगी फिर? क्या है कि आदि मेरे लिए एक स्मूदी बनाएगा और मैं आदि के लिए स्मूदी बनाऊंगी, लेकिन मैं अपने जो इंग्रेडिएंट्स है स्मूदी के दैट विल नॉट बी द इंग्रेडिएंट्स दैट यू यूज इन अ रेगुलर स्मूदी। हम बहुत ही अतरंगी इंग्रेडिएंट्स स्मूदी में डालने वाले हैं जो ये शायद पी कभी नहीं पाएगा। So basically, इसकी पसंद ना पसंद मुझे पता है, मेरी ना पसंद इसे पता है, तो उस हिसाब से हम दोनों तीन तीन इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करेंगे और चौथा होगा मिल्क। तो मिल्क में तीन इंग्रेडिएंट्स और क्या डालने हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे और मुझे पता है इसको क्या निकलना है, मैं वो ही सिलेक्ट करके डालूंगा और मुझे पता है कि ये कभी पी ही नहीं पाएगा, ये भी कभी पी ही नहीं पाएगा। देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब स्मूदी पूरा बन जाएगा तो 30 सेकंड्स का टाइमर मिलेगा और उस 30 सेकंड्स के अंदर जिसने स्मूदी ज्यादा खत्म किया वो होगा विनर और दूसरा होगा लूजर। और विनर जो है लूजर को एक पनिशमेंट देगा और वो पनिशमेंट क्या होगी वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। yes. तो अब बिना बिल्कुल भी वक्त जाया किए हुए लेट्स स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है। Hi again guys. तो आदि इस रूम में नहीं है, इस रूम में सिर्फ एक इंसान है और वो है मेरा। और सिर्फ हम दोनों को पता है कि मैं क्या डालने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आदि को साउथ इंडियन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आई लव इडली, ही डजंट लाइक इडली एट ऑल। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मुर्गा पोड़ी। अगर आप साउथ इंडियन हो तो आपको पता चल ही जाएगा मुर्गा पोड़ी क्या है, पर अगर आप नहीं हो तो मुर्गा पोड़ी इज बेसिकली गन पाउडर जो वो लोग इडली के ऊपर ऊपर डालते हैं, ऐसे चटपटा टेस्ट और एकदम स्पाइसी होता है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ गन पाउडर यानी कि मुर्गा पोड़ी। सेकंड इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी या तो चिली सॉस या तो हॉट एंड स्वीट सॉस, बट आई थिंक मुझे डालना चाहिए चिली सॉस। सेकंड इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी चिली सॉस और थर्ड इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी दाल, यानी कि रात को दाल पकवान घर पे दीदी ने बनाया है तो वो दाल पकवान लूंगी मैं और उसके बाद मैं लूंगी चिली सॉस और उसके बाद मैं लूंगी मुर्गा पोरी। यानी कि कुछ भी स्वीट नहीं होगा मेरे स्मूदी में। माय स्मूदी इज गोना बी लाइक मी चटपटा। यस लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं आया हूँ बेडरूम में अपने इंग्रेडिएंट्स सिलेक्ट करने और तन्वी गई है उस रूम में अपने इंग्रेडिएंट्स सिलेक्ट करने। और मुझे पता है कि तन्वी जितनी कंपेटिटिव है ना वो मेरे लिए तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली है। वैलेंटाइन डे जो भी है वो सब गया, लेकिन वो मेरे लिए आसान तो नहीं बनाने वाली है। एंड वाइस वर्सा, मैं भी उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं बनाने वाला हूँ। और मेरे मन में कुछ चीजें हैं, मुझे पता है उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हम लोग सुबह जब ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं ना तो नाश्ते के साथ मेरे प्लेट में हमेशा थोड़ी रफल्स लेस, थोड़ा कुरकुरे, ये वो से वगैरह वो सब नाश्ता रहता है। और वो देख के वो इतना चिढ़ती है ना, क्योंकि उसे पसंद नहीं है। वो हमेशा मुझे भी बोलती है कि तू क्यों खा रहा है ये सब, मत खा। तो मुझे पता है ये उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने तीन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने सोचे हैं वो मैंने सोचे हैं, सबसे पहले तो मैं डालूंगा कुरकुरे, क्योंकि कुरकुरे उसे मतलब लेज वेज तो चलो वो फिर भी खा भी लेगी, लेकिन कुरकुरे तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो फर्स्ट इज कुरकुरे एंड सेकंड इज द क्विंटेसेंशियल गुजराती स्नैक जो है सेव। सेव तो बॉस
कोई भी सेव गाठिया वगैरह जो होता है वैसा तो आपको गुजराती के घर में मिल ही जाएगा और आई एम श्योर हमारे घर में भी होगा ही होगा। तो दूसरा मेरा इंग्रेडिएंट है सेव, और तीसरा मैंने सोचा कि कुछ तो मतलब सब कुछ कुरकुरा डालूंगा तो फिर वो सब मिक्स होने में, तो मैंने सोचा कुछ एक दूसरा वेजिटेबल डालता हूँ। और एक वेजिटेबल जो वैसे तो वो सब वेजिटेबल्स खाती है, उसे बहुत पसंद भी है, बट एक वेजिटेबल जो उसे नहीं पसंद है वो है दूधी। तो मेरा तीसरा इंग्रेडिएंट है दूधी। अब आप भी ये सुन के सोचो कि दूधी, कुरकुरे और सेव ये कैसा लगेगा मुझे सुन के, खुद भी मुझे तो ये सब पसंद है, मुझे दूधी भी पसंद है इनफैक्ट, फिर भी मुझे लग रहा है कि ओ माय गॉड ये अगर होता तो मैं भी नहीं पता, वो तो नहीं पी पाएगी। तो मेरे तीन इंग्रेडिएंट्स है ये। तो अब चलते हैं किचन में, उसे भी ये इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और ये स्मूदी रेडी करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है कौन आता है। लेट्स गो। मस्त प्लान है। फाइनली गाइस हम दोनों ने अपने अपने इंग्रेडिएंट्स सिलेक्ट कर लिए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द इंग्रेडिएंट्स। आर यू रेडी? आई एम रेडी। चल तू पहले जाएगी कि मैं जाऊं पहले? तू पहले। ठीक है ओके। मैं अपने तीन इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। चौथा है ये मिल्क। हाँ। ये मिल्क दोनों के लिए कॉमन है, बाकी तीन इंग्रेडिएंट्स मेरे है यहाँ पे। फर्स्ट इंग्रेडिएंट कुरकुरे। कुरकुरे जी, मैं वैसे भी कुरकुरे नहीं खाती। सेकंड इंग्रेडिएंट इज योर फेवरेट जो है ये जंक। मैं ये सब जंक नहीं खाती हूँ, ये सेव। मुझे पता है तू नहीं खाती, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। एंड थर्ड इज शायद तुझे पसंद है। दीदी मैं कभी दूधी का सब्जी खाती हूँ क्या? सी आई टोल्ड यू दूधी नहीं पसंद है उसको। सो दीज आर माय थ्री इंग्रेडिएंट्स। अब चीप चला ब्रो चला। चल कहाँ है तेरे इंग्रेडिएंट्स? मेरे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पीछे है। बताओ क्या होगा। जब भी मैं मुझे कुछ मंगवाना है ना तो मैं बोलती हूँ कि आदी मेरे को साउथ इंडियन खाना मंगवाना है और बोलते नहीं मेरे को साउथ इंडियन पसंद, इसलिए आज मैं तुझे दूंगी साउथ इंडियन स्मूदी। अब तू क्या सब पूरी दुनिया याद रखे। पहले है दाल। ये तो रगड़ा है। रगड़ा नहीं है ये दाल है। ये है मुर्गा पुड़ी। ओह नो। जो इडली के ऊपर डलता है। और ये है नागिन सॉस। व्हाट द हेल, साला मुझे पता भी नहीं था ये हमारे घर में यार। यस बस हवा निकल गई। तो देखते क्या होता है। चल लेट्स मेक द आपको बाहर। सी यू गाइस। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ये हम दोनों के स्मूदी आ चुके हैं। ये इतनी शक्ल बिगाड़ रही है। मैंने तो उसको इतना इजी दिया यार, कोई भी पीने का। और सेव। और नहीं तो क्या, तूने तो इतना भर भर की मिर्ची डाला है, मैं कैसे पीऊंगा यार। अब तक तो ये चैलेंज थोड़ा सा मतलब मजे में हम कर रहे थे, लेकिन अब मुझे ये मुझे लग रहा है खाली एक्टिंग कर रही है। नहीं। ये ना मुझे ओवर कॉन्फिडेंस दे रही है, और जैसे ही चालू होगा तो ये एक सेकंड में पी लेगी। आदि आई एम फीडिंग योर बेबी। आई नो, सो यू बेटर नॉट ड्रिंक इट। नो नो नो, आई वांट टू विन। ठीक है ओके गाइस, दिस इज द टाइमर। 30 सेकंड में करना है वो भी। 30 सेकंड्स एंड एक मिनट। इसको मैं लेता हूँ इस हाथ में और चल उठा ले। 3 2 1 एक मिनट। गूगल बात कर रहा है, गूगल को भी पता है ये डेंजर जोन है। रेडी? हाँ अभी फाइनल रेडी। हाँ थ्री। मेरा धक धक कर जैसे मैं कोई एग्जाम लिख रही हूँ, लेकिन कोई रेस वो कर रही हूँ। थ्री टू वन एंड स्टार्ट। I win! 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 I
babies. What the hell? You didn't drink any? I spat it out! It's so bad! Finally, I will life mein shaadi ke baad, I will add something. This is the first time. Pehli baar jeeta ye. Pehli baar. Main jeeta hoon. Roz aate hain is ummeed pe aaj jeetenge. Okay, okay. Ek minute. To shuru mein humne kuch decide kiya tha. हाँ. कि जो जीतेगा वो हारने वाले को एक पनिशमेंट देगा और वो पनिशमेंट अब मैं से दूंगा. सोच के बात. अरे मैंने सोच मैं सोई नहीं हूँ इतने रात. सोच हाँ तू अभी 10-15 मैं इतना सात महीने से मैं सोई नहीं हूँ. काम है पंद्रह मिनट का काम है. बोल तुझे सिर्फ इतना करना है कि आज रात के सारे बर्तन तुझे धोने हैं. दीदी की छुट्टी और तुझे दीदी धोने. अरे यार ये 15 मिनट का काम नहीं है, ये 30 सेकंड का काम था, वो 30,000 मिनट का काम है. कैसे इसको हजार? मेरे को पता था ये नहीं पी पाएगी और ये इतना तीखा था. कल सुबह मेरा क्या हाल होने वाला है मुझे पता नहीं है. लेकिन मैं पी गया. अभी मेरा गला अभी भी जल रहा है और अब सुबह तो पता नहीं क्या करेगा. बर्तन यार. अरे कम ऑन यार, एक दिन के बर्तन नहीं चल सकते. कितने बर्तन होते हैं इस घर में? गुगल के बर्तन, कैमरे के बर्तन, बेबी के बर्तन, दीदी के बर्तन, नविता दीदी के बर्तन, तेरे बर्तन, मेरे बर्तन. अरे यार हेलो हेलो मैडम, चलो शुरू करो यार, तुम तो टाइम पास कर रही हो यहाँ पे. हाथ है ना ऐसे ऐसे हो गए हैं, रगड़ रगड़ के. तेरी बर्तन पहली बार मैंने इसको बर्तन धोते हुए देखा है. नहीं उसके पहले मैंने धोए होंगे. कब धोए? तीन साल पहले. नहीं मम्मी के घर पे, मम्मी मुझे बहुत बर्तन धुलवाती थी. बट एनीवे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैडम ने बर्तन वर्तन धोए है, सब काम किया, पूरी चैलेंज खत्म की है, तो मानना पड़ेगा बॉस. लेकिन बॉस क्या करे, अभी मैं तो पी गया ना, मैं तो जीत गया. तो मुझे तेरे बहुत बुरा लगा. तो क्या हाल होगा उसका कल सुबह? मैं तो समझे, मैं बेबी को फीड कर, लेकिन तू मुझे फीड कर रहा है. कल सुबह क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता. वो छोड़ो, मुझे भी सोचना भी नहीं है. वैलेंटाइंस डे है यार, फिर ये बोलेगा कि मैं तुझे डिनर पे नहीं लेके जाता, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, ये वो, तो मैं क्या करूंगी फिर? यू आर अ गुड क्वेश्चन. Guys, I hope you like this video of us. और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया नीचे कमेंट्स में बताइए. कुछ और अगर इंग्रेडिएंट्स आपके पास है जो आप चाहते हैं कि हम वापस को ऐसा वीडियो करें उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स यूज करें तो वो भी हमें बताइए. या फिर हमने जो इंग्रेडिएंट्स सिलेक्ट किए उसमें से आपका कौन सा फेवरेट इंग्रेडिएंट था, क्या आप पी पाओगे, आप पी पाओगे नहीं पी पाओगे, ये सब हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ. That's it from us and we'll see you next time. बाय. तुमने क्यों पिया आदि? क्यों पिया तुमने?